इसीलिए भी फरमाते थे मैं अब मशवरा नहीं देता, इसलिए कि लोगों को एतमाद नहीं। बस अगर कहना ही हो तो यूं कह देता हूँ, भाई अगर मुझे ये सूरत दरपेश होती, मेरा मामला होता, तो मैं यूं करता। अब उसे इख्तियार है, ये तो नहीं कह सकता कि हजरत ने मशवरा दिया। अगर मुझे ऐसी सूरत दरपेश होती, ये मेरा मामला होता, तो मैं तो यूं करता। और शायद ये भी फरमाया, अब लोग मशवरा लेते हैं अपनी ताईद के लिए। वो मशवरा क्या हुआ, वो तो अल जवाबु सही उन कराना हुआ। और कोई मशवरा लेता है ताकि उस बड़े पर रख दे बुराई। हजरत तो फरमाया, क्या वाहियात बात है, ये क्या वाहियात है। मशवरा अपने फहम अपने समझने के लेना चाहिए। मुशीर का हवाला कैसा, मुझे भी कहना पड़ता है कि मशवरा तो दूंगा, अपने समझने के लिए मशवरा लेना। हाँ, मेरे ऊपर मत रखना बात, मुझे बुरा बनाओ कि हमने उनसे मशवरा किया था, उन्होंने उस मदरसे में जाने से मना कर दिया कि वहां न जाओ मुदर्रिस बनकर। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, पढ़ने के लिए मशवरा लिया था, उन्होंने उस मदरसे में पढ़ने से मना कर दिया। तो अपने समझने के लिए लो, जब तुम्हें एतमाद है बस खलास, बस उनसे इतना कह दो कि भाई यहाँ पढ़ाने का मशवरा नहीं बना, हम यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, मसलन हमें यहाँ पढ़ने का मशवरा नहीं बना। किसका नहीं बना, कि नहीं ये तो बताने की कोई बात नहीं है, मशवरा नहीं है हमारा, नहीं हम नहीं पढ़ना चाहते, खत्म हो गई बात। दूसरों पर, वो अपने बड़ों पर बड़ा भी मानते हो और उसके ऊपर बुराई भी रखते हो। बाज जगह तो बंदा खुद कह देता है, वो और कबील की, वो मसले के कबील की बात होती है, मशवरा नहीं। मशवरे में तो दोनों शिकें जायज होती हैं, वहां मशवरा होता है, वो महल है मशवरा का। मसले की कहीं बात हो और कोई हिम्मत ना कर रहा हो, हमारा खुर्द और छोटा, तो कह देता हूँ मेरा हवाला दे देना। अगर कोई ज्यादा इसरार करे कि कम से कम ये जोड़ा तो ले लो, अटैची तो ले लो, कुरान पाक सुना, मैंने कहा मेरा हवाला दे के कह देना कि उन्होंने मना किया था, मुझसे कर लेंगे बात। ये तो मसले की बात है, यहाँ तो हम बुरा बनने के लिए तैयार हैं, अगर मशवरे में नहीं, मशवरे में दोनों चीजें जायज होती हैं। तो वहां फिर ऐसे शख्स का जहन पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा कि जिसके मदरसे के बारे में कह दिया कि नहीं वहां मुदर्रिस मत बनना, वही कह देगा हमारे मदरसे का मुखालिफ। और पता नहीं बेचारा क्या क्या सूए जन में मुबतला हो के अपना नुकसान करे। ये नहीं सोचते लोग, सोचते कोई बात नहीं हमारा क्या बिगाड़ेगा, अपना तो बिगड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने तो इसकी भी एहतियात की कि दूसरा कोई बदगुमानी में सूए जन में मुबतला ना हो, उसका नुकसान होगा। ऐसे ही उस्ताद इल्म ने कह दिया, हम तो चाह रहे थे मगर उन्होंने रोक दिया। मालूम होता है हमारे मदरसे के मुखालिफ, तुम सब बनते हो ऐसी चीज का। इतना कहना काफी है कि यहाँ राय नहीं बन रही है पढ़ाने की, बस। या कोई बात चल रही हो, मशवरा नहीं हो रहा है, वहां तकसुर का, कौन मना कर रहा है कि नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं, बस मशवरा नहीं बन रहा है। ये है फहम और समझदारी की बात, मगर फहम ही की तो कमी है आजकल, काबिलियत की भी कमी नहीं। किताब की काबिलियत, पढ़ने की काबिलियत, पढ़ाने की काबिलियत, ये और चीज़ है, और ज़िंदगी गुजारने की काबिलियत ये और चीज़ है, दोनों में फ़र्क है।